मेरा नाम डॉक्टर आशा, मैं यहाँ पर स्कूल इंचार्ज हूँ और हिंदी विषय की प्राध्यापिका हूँ। अब मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूँगी कि विद्यालय में हमने इस विद्यालय को हरा भरा बनाने का हमने सभी टीचर्स ने और साथ में बच्चों ने बहुत प्रयास किया है। प्रत्येक बच्चे का एक पौधा पालने का हमारा प्रयास है, उस बच्चे ने पौधे को लगाया है और उसका पालन पोषण करने की उसकी पूरी जिम्मेवारी है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा वातावरण हरा भरा है और मूलभूत सुविधाएं भी हमने प्रदान करने की कोशिश की है, बच्चों को स्वच्छ जल की भी व्यवस्था हमने यहाँ पर कराई है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर गांव में जागरूकता फैलाने का भी कार्य करते हैं। यहाँ पर समय समय पर रैलीज निकाली जाती हैं, चाहे वो वोटर कार्ड से संबंधित हो या स्वच्छता से लेकर हो या सरकारी विद्यालय में बच्चों के नए दाखिले से संबंधित हो। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। यहाँ पर बच्चों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करवाई है, यहाँ पर स्वच्छ जल आता है और उसके बाद आरओ में डालकर उसकी प्रॉपर उसकी निकासी का या उसके यहाँ पर बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई पानी से संबंधित कोई बीमारी ना हो इसके बारे में भी खास ख्याल रखा जाता है। हम यहाँ पर पहले जब हमने देखा यहाँ पर तो पानी की व्यवस्था का बुरा हाल था, उसे हमने सुधरवा कर उसकी प्रॉपर ड्रेनिंग करवाई है, यहाँ पर उसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखवाया है। अब यहाँ पर इस विद्यालय में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पानी के कारण जिसको कोई प्रॉब्लम हो या कोई बीमार होता हो, स्वच्छ पानी देने का हमारा। Thank you.
मेरा नाम पवन कुमार, सरपंच गांव कुटलाना। हमारे गांव में पानी की विशेष व्यवस्था ना होने के कारण पेड़ पौधों की कमी है, इसलिए पेड़ पौधों की कमी होने के कारण वातावरण संतुलित नहीं है। जल निकासी हमारे गांव में, गांव की जमीन, गांव पंचायती जमीन पे अवैध कब्जे हैं, इसलिए निकासी की कोई व्यवस्था पौंड वगैरह की नहीं है। साफ सफाई की व्यवस्था में हमारे गांव में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सफाई कर्मचारियों की कमी है। एक सफाई कर्मचारी, केवल दो ही सफाई कर्मचारी थे हमारे गांव में, जिसमें एक की मृत्यु हो गई, इसके बाद केवल एक सफाई कर्मचारी है जो अच्छे से सफाई नहीं कर पाता।